So after pandemonium and ruckus as well as violence breaking out inside the MCD house, the Delhi mayor's election as expected will not happen today as a result of AAP and BJP resorting to a tussle and unfortunate behavior within the house. Proceedings have been adjourned for today, so that means there will be no mayor's election today. It perhaps will be pushed to tomorrow, and we'll see what happens tomorrow, because there's no doubt that the AAP and BJP are going to fight it out the way they have today in the house for over 90 minutes. These were the scenes that were witnessed: unlawful behavior, breaking of infrastructure within the MCD house as AAP and BJP resorted to clashes and jostling. Manoj Tiwari is currently speaking. अरविंद केजरीवाल और उनके साथी अपने ही पार्षदों को बिकाऊ बता रहे हैं, ये कमाल है। आपका आरोप है कि उपराज्यपाल ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अगेंस्ट जाकर के की एल्डरमैन की नियुक्ति और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति, जिसके चलते सब शुरू हुआ। नहीं तो इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए ना। अगर आपको कोई किसी व्यवस्था पे लीगैलिटी का प्रॉब्लम है तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि यहाँ सदन में क्या होगा। ये तो एमसीडी का सदन है, तो ऐसा बहाना मत करिए। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो गुंडा चरित्र है वो दिखाया है, और बहुत डर गई है वो अपने पार्षदों पे भी। शायद आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है। BJP's Manoj Tiwari there speaking to us, lashing out at the Aam Aadmi Party, saying this is clearly an attempt to stall proceedings in the MCD house because the AAP is scared, according to the BJP, of the fact that they don't have enough numbers when compared to the Bharatiya Janata Party, and know that a BJP mayor will be chosen. AAP, on the meanwhile, is saying that the reason they first began the protest is because of the clear bias and partiality shown by the presiding officer. बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों के पार्षदों के बीच में जमकर हाथापाई हुई। आप देख सकते हैं कि जिन स्पीकर्स के जरिए अपनी बात रखते हैं तमाम नेता, उनको पूरी तरीके से यहां पर तोड़ दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो टेबलें हैं उन पर तमाम ये पार्षद जो है वो चढ़ गए, और उस तरीके से जमकर हंगामा जो है वो पार्षदों की तरफ से किया गया। टेबलें जो है वो तोड़ दी गई, तमाम जो कागज हैं उनको यहाँ पर जो है वो लहराया गया, उनको फाड़ा गया। अभी देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से ये वो पार्षद है जिनको जनता चुन के भेजती है कि अपनी आवाज जो है, जनता की जो आवाज है वो सदन में रखेंगे। इससे पहले इस तरीके की कभी भी जो कहा जाए तस्वीरें कभी भी देखने को नहीं मिली, लेकिन आज दिल्ली के नगर निगम के अंदर किस तरीके से स्लोगन जो है वो लाए गए। तस्वीरें दरअसल ये थी कि सदन की जब कार्रवाई शुरू हुई उसी दौरान आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनकी तरफ से ये विरोध दर्ज किया गया कि मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ जो है वो ना दिलाई जाए। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा शपथ जो है वो दिलाई जा रही थी, लेकिन उसका विरोध जो है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो टेबलें हैं उस पर यहाँ पर पार्षद जो है वो चढ़ गए, तोड़फोड़ हुई है जमकर, कई सारे पार्षदों के हाथों पर चोटें जो है वो आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबलों का ये हाल, आप देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो टेबलें थी उन पर पार्षद चढ़ गए, जमकर तोड़फोड़ जो है वो ही है, कई सारे पार्षदों को जो है वो चोट आई है। ये देखिए ये स्पीकर की ये तस्वीरें हैं, ये स्पीकर्स हैं जिनके जरिए लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है स्पीकरों को। यहाँ पर लगातार अब फिलहाल सदन की कार्यवाही को जो है वो स्थगित किया गया है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उसी वक्त तमाम जो पार्षद है वो यहाँ पर आए और जमकर हंगामा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्षदों के बीच में जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल सदन की कार्यवाही को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि सदन की कार्यवाही कब शुरू होती है, लेकिन इन सब के बीच इस तरीके से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद शर्मनाक करने वाली है कि पहली बार इस तरीके की तस्वीरें सदन की पहली बैठक में जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल अब यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके के कागज जो है वो यहाँ पर लाए गए थे, उनको यहाँ से अब हटाया जा रहा है, और यहाँ पर सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से शुरू हो, अब कब शुरू हो इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां जो है वो की जाएंगी। लेकिन शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें दिल्ली और नगर निगम के पहली सदन की बैठक में जो है वो देखने को मिली है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। ने अब तक जो प्रोसेस किया है बीजेपी उसको सपोर्ट करती है? देखिए बीजेपी किसी चीज को सपोर्ट करती है नहीं करती है, बात यह है कि जो ये तो सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग गलत नहीं है। यहाँ पर हम लोग सही तरीके से आकर जो इलेक्टेड काउंसलर्स थे वो शपथ लेने वाले थे, क्या गलत है? मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल से, किस बात का डर? अरविंद केजरीवाल जवाब दे इस बात का, क्यों मारा, क्यों पीटा औरतों को? जब एक पुलिस में शिकायत करेंगे? बिल्कुल शिकायत तो है ही,
पुलिस एफआईआर दर्ज कराएगी? बिल्कुल होगी, सिर्फ एफआईआर की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर पूरा धरना दे रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस बात से रिलेटेड और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत जल्दी होने वाली। एक सवाल और, पहला जो अब जब शपथ होगा, जब भी हाउस बैठे, आप बीजेपी क्या मांग करेगी? पहला शपथ जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों का हो या एलजी द्वारा नामित लोगों? देखिए, सबसे पहला जनता से चुने हुए लोगों का होना चाहिए, क्योंकि वो नॉमिनेटेड लोग हैं और नॉमिनेटेड के साथ जिन लोगों को जनता के साथ जो एलजी ने भी नाम चुनित कर रहे हैं वो भी इसी के साथ। पहला शपथ किसका होना चाहिए? बीजेपी आगे किसकी मांग करेगी? बीजेपी आगे यही मांग करती है कि जो एलजी के साथ जो 10 लोग हैं और उन्हीं के साथ जो जनता के चुने हुए लोग हैं वो भी। पहला शपथ किसका हो? पहला शपथ इन्हीं लोगों का ही हो, नामित लोगों, जो नॉमिनेटेड है उन्हीं लोगों के होने चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन जो है उनके साथ हो और साथ में एलजी के साथ के भी जो उनके हैं पार्षद वो भी साथ में। Reactions pouring in. You also saw the report that was filed by Sushant Mehra where he showed what the house now looks like. Damage that's been reported to the infrastructure also, thanks to AAP and BJP representatives resorting to this kind of jostling and clashes on a day when the mayor was to be chosen. And this is the democratic process that's been completely failed by representatives. Let's cut across now to a reaction from AAP Satishi. Okay, we've lost that connection. We will, in fact, get you the reaction that's coming from the Aam Aadmi Party, because the AAP is even threatening that they'll go to court on this issue. They're alleging. संवैधानिक गैर कानूनी हरकत भारतीय जनता पार्टी करती है. CMC Act स्पष्ट तौर से कहता है कि पहले चुने हुए काउंसलर्स की वोट होगी, लेकिन कानून को सेट असाइड करते हुए भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी शपथ होगी, फिर उनके द्वारा वोट दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी होने के नाते, लफंगों की पार्टी होने के नाते, हर गैर कानूनी गैर संवैधानिक हरकत करने के नाते आज उनके पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से शपथ करवानी शुरू करी। उसके बाद अभी हमारे पार्षद जब नारेबाजी कर रहे थे तो मार पिटाई आम आदमी पार्टी की महिलाओं के साथ, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ उन्होंने शुरू कर दी है। अभी बुराड़ी से विधायक संजीव झा में कमिश्नर के पास जा रहे हैं कि हाउस को बंद कराया जाए, और हाउस बंद कराने के बाद पहले संवैधानिक रूप से हाउस को चलाया जाए, उसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। संजीव जी क्या कहेंगे इस पूरे हंगामे को लेकर? The Aam Aadmi Party saying that they're going to be demanding further action over what played out today. Atishi is speaking to the media saying they're now approaching the commissioner to close up the MCD house to ensure that there's no more business that happens.